और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सांबा में स्वर्णिम विजय वर्ष पूर्ण देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया है। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारत की जीत पर स्वर्ण जयंती 14 दिसंबर 2021 को सांबा में मनाई गई है। मिशन फर्स्ट ब्रिगेड द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 1971 के सुरमाओं की वीरता जीत और विजय पर प्रकाश डाला गया है। में जो भारत की स्वर्णिम विजय हुई थी उसके 50 ईयर्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर सांबा के लिए हमारे लिए विशेष महत्व है, क्योंकि बैटल ऑफ बसंतर जो समय लड़ी गई थी, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इंडो पाक वॉर में, वो यहाँ सांबा में बैटल ऑफ बसंतर में उसका स्थान है। और वहाँ पे बहुत सारे योद्धा जिन्होंने अपने प्राणों का की परवाह किए बिना भारत को ये विजय दिलाने के लिए जो सर्वोच्च कुर्बानी है वो दी थी, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए आज वीर भूमि स्थल जो एक वॉर मेमोरियल यहाँ पे है, वहाँ पे मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके आज ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उसके अतिरिक्त लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण खेत्रपाल, जो कि एक वॉर हीरो रहे हैं और उन्होंने अपनी प्राणों का को निछावर कर दिया था, उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक जो वॉर मेमोरियल पहले बाहर था वहाँ आज ये यहाँ वीरभूमि स्थल में उसको स्थानांतरित किया गया है। उसको प्रॉपर डेकोरम और पूरे प्रोटोकॉल के साथ आज यहाँ पे स्थापित किया गया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे वॉर वेटरन्स जो 98 वॉर वेटरन्स सर्वाइविंग हैं जो सांबा के, जिन्होंने 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनको भी आज हमने यहाँ पे फेलिसिटेट किया। और उसके अतिरिक्त 17 पूना हॉर्स जो पेरेंट रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण खेत्रपाल की, उन्होंने एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया थी जो बहुत अलग अलग स्टेट्स से गुजरते हुए आज यहाँ पे सांबा में उनको हमने फ्लैग इन किया है। तो इस तरह से एक लोगों को और बच्चों को और सब लोगों को ये बताने के लिए कि बैटल ऑफ बसंतर में हमारे वीरों की क्या भूमिका रही है और आज उनको हमारा एक श्रद्धांजलि देने का एक जो हमारा एक कर्तव्य है वो हमने आज पूरा किया। और में जो भारत की स्वर्णिम विजय हुई थी